उसका दोनों मान निकालोगे अल्फा और बीटा। ध्यान, प्रश्न पहले समझा करो। तो उसने बोला है दोनों हम लोग सीख लेंगे लड़के, दोनों हम लोग सीखेंगे। पांच एक्स स्क्वायर लिखा है, इधर देखो माइनस छ एक्स माइनस टू बराबर जीरो दे दिया है। अब तुम्हें कल वाली क्लास को ध्यान देना है, यहाँ तो देखो जब पांच है तो किसी का वर्ग ही नहीं है, इसका मतलब कि तुम पांच का गुणा कर दो। कल ही बता रहा था उस दिन, पांच का गुणा कर दो, पचास पच्चीस हो जाएगा, और नहीं तो तुम इसको भाग कर दो। दोनों तरीका से होगा, तो मैं दोनों तरीका यहाँ पर अप्लाई करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी देखना क्या करेंगे हम। पहला बता रहा हूँ कि दोनों पक्षों में लड़के पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है, तो दोनों पक्षों में पांच से क्या कर दे रहे हैं, गुणा कर दे रहे हैं। ध्यान देना, यहाँ से गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा पचास पच्चीस एक्स स्क्वायर, पांच के तीस एक्स, और पांच दुना के दस बराबर कितना हो गया, भाई जीरो में गुणा करोगे जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, अब तुम्हें क्या बताने का कोशिश किया जा रहा है कि यहाँ पांच और एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। चुप हो जाओ। तो अब देखो, यहाँ जानते हो कि प्रश्न में टू ए बी होता है, तो टू तुम अपने से लिखोगे ना यहाँ, तो टू लिखोगे तो कितना हो जाएगा, तीस का पंद्रह हो जाएगा, पंद्रह हो गया। चलो ठीक है, पंद्रह एक्स और माइनस दस बराबर जीरो, तो फिर तुम पांच एक्स का होल स्क्वायर लिखोगे, ये दो हो जाएगा। देखो लड़के, पंद्रह एक्स हो गया है तो आगे कितना लिखा है, पांच एक्स लिखा है ना, आप उठाकर पांच एक्स लिख दो यहाँ पर, जो ये रहेगा वही यहाँ गुणांक आता है। तो पांच एक्स, पांच एक्स और एक्स हट जाएगा, पांच एक पंद्रह, तो कितना बचेगा, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी हो गया तो ये थ्री का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस थ्री का होल स्क्वायर माइनस दस बराबर कितना हो जाएगा। अब यहाँ हल कर दोगे तो पांच एक्स, ये तो वर्ग हो गया, माइनस तीन का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से माइनस का नौ माइनस का दस बराबर जीरो, तो पांच एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, और ये माइनस उन्नीस बराबर कितना हो गया, वो जीरो हो गया। ये पांच एक्स और माइनस तीन हो जाएगा ना, और का होल स्क्वायर बराबर हो गया उन्नीस, तो पांच एक्स और माइनस तीन बराबर प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा, उन्नीस हो जाएगा। तो यहाँ से पांच एक्स बराबर पचहत्तर कर दो, इसको पचहत्तर कर दोगे तो प्लस माइनस अंडर रूट उन्नीस और प्लस कितना हो गया, तीन। तब इसको थोड़ा सजा लो तो पांच एक्स बराबर हो जाएगा तीन प्लस माइनस अंडर रूट कितना, उन्नीस। एक्स बराबर तीन प्लस माइनस अंडर रूट उन्नीस बटा में कितना हो जाएगा, पांच हो जाएगा। तो इसका मान या तो तुम ऐसे रहने दो, और नहीं तो वही बोला था प्लस माइनस के तौर पर, एक बार देखो इधर माइनस होगा तो वो नहीं बदलेगा, बदलेगा यहाँ पर, ये हो जाएगा तुम्हारा मूल। मूल बोलने का मतलब उसका मान रख देना, तीन प्लस अंडर रूट उन्नीस बटा में पांच, दूसरा मूल हो जाएगा तीन माइनस अंडर रूट उन्नीस बटा में पांच हो जाएगा, ठीक है ना, कर ले।